commutative is there. It is not commutative is there. The पहली property. दूसरी प्रॉपर्टी क्या अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या रहता एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मतलब क्या कि कभी हमने ए इनटू बीसी मतलब क्या पहले बीसी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर ए के साथ करें क्या या फिर पहले ए बी लेने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन सी से करें क्या दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है. ये प्रॉपर्टी को बोलेंगे अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज. है थर्ड प्रॉपर्टी का अपन देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे कि नाम में ही है इसका डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके देने का बांट के देने का. तो कैसा बांट के देने के भी दो मेथड है. एक अपन लेफ्ट से भी दे सकते हैं मैट्रिक्स को बांट के या फिर राइट से भी दे सकते हैं. जैसे कि अभी एक मैट्रिक्स ए है ए इंटू बी प्लस सी है तो ये मैट्रिक्स बी प्लस सी के लेफ्ट में है तो कैसे बांटेंगे पहले ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. ये होगा उसका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव. इस पार्ट का लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नेक्स्ट प्रॉपर्टी सारी दोनों को मिला के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों को मिलेंगे दोनों मिला के मिलेंगे अपन इट इज सेड टू बी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज देयर. देन आफ्टर आवर नेक्स्ट वन देन आफ्टर आवर नेक्स्ट वन चौथे अपन देखेंगे यहां पे कि a into i इज इक्वल टू i into a इज इक्वल टू a. ये प्रॉपर्टी को बोलेंगे अपन दिस इज सेड टू बी द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा या फिर आइडेंटिटी से ए से मल्टीप्लाई करेगा यू गॉट द सेम मैट्रिक्स फॉर दैट वन. यू गॉट द सेम मैट्रिक्स फॉर दैट वन. तो कैसा है इसका मतलब देखो ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए का मतलब एकदम सिंपल है. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल होता था यहाँ पे साइड में और इससे तो कोई जरूरत नहीं है. ये प्रॉपर्टी का मतलब कैसा कि कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा या फिर आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेगा सेम मैट्रिक्स बनेगी. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स पे अपन 1 4 3 2 ये मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2 के मतलब ये क्या है 1 0 0 1. अब अगर चल रहे टू ए इनको आई अगर से करें तो ये हो गया 1 4 3 2 ए और आई मतलब कितना 1 0 0 1 ये आई. अब उसका कल बताया मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते पहले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ तो 1 into 1 1 4 into 0 इज देयर. फिर उसके बाद हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ 1 into 0 0 इज देयर प्लस 4 into 1 4 इज देयर. ये हो गया कंप्लीट. अगला 3 into 1 3 इज देयर प्लस 2 into 0 0 is there. ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पर इट इज नथिंग बट नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 into 0 0 is there और 2 into 1 2 is there. तो इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आए क्या है 1 1 plus 0 1 0 plus 4 4 3 plus 0 3 0 plus 2 2. तो ये देखने के बाद ये फिर से क्या मैट्रिक्स है तुम्हारी मैट्रिक्स ए इज देयर. It is again your matrix capital A is there. वही बता रहा कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा या फिर उल्टा करने के बाद आइडेंटिटी को A से मल्टीप्लाई करेगा तो मैट्रिक्स आने वाला है वो क्या मिलेगा ना मैट्रिक्स इट इज योर A मैट्रिक्स इज देयर. तो इज द प्रॉपर्टी A into I is equal to I into A that is equal to A. मतलब वही अपने को फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी. तो जब अपन क्या करेंगे कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से या फिर आइडेंटिटी को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा. दिस इज अ प्रॉपर्टी है. नाउ नेक्स्ट वन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें ऐसी है जो कि ऑब्वियसली है कि कोई भी मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेगा या फिर जीरो से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा आंसर हमेशा क्या आने वाला है जीरो. ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी. उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे छठी प्रॉपर्टी की तरफ. एकदम सिंपल सबसे समझ में आ गया. अब हम छठी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे है ना. तो
फिक्स का प्रॉपर्टी जानने से पहले पहले प्रॉपर्टी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा है, नॉट कॉमेटेटिव, मतलब हमेशा ए बी इज इक्वल टू बी ए रहेगा, ऐसा नहीं है, ये तो अपन इससे पहले भी देखने वाला है। ओके पहली प्रॉपर्टी अपन इससे पहले भी देखने वाली है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ए बी का ऑर्डर अगर से 3/2 है, ए का ऑर्डर 3/2 और बी का ऑर्डर जितना है तुम्हारा 2/3 इज देयर, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव, देन आफ्टरवर्ड ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर तो भी क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा या फिर आइडेंटिटी को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी। पांचवी प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है, ए इंटू जीरो, कोई भी मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो से कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आने वाला है, जीरो। छठी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि अगर से कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, if A and B are two non-zero matrices, then the product of AB will be zero. तो अभी तक आपने क्या बोला? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अपन? ये दो A और B, these are two non-zero matrices. दो non-zero matrix होने के बाद भी condition क्या है? यहाँ पे AB is equal to zero आ रहा है ना? ऐसा भी देखते हो वाले? तो अपन ने देखे वाला है कि दो number का multiplication अगर ऐसा है तो दो नंबर जीरो कब होंगे सबको मालूम है, दोनों में से समझो जीरो इंटू थ्री करे तो जीरो आएगा, या फिर थ्री इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या, जीरो, मतलब दोनों में से एक नंबर जीरो होना चाहिए, फिर दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, जीरो, तब आंसर कितना आता, जीरो। मगर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मतलब ये देखो, ये समझो फॉर एग्जाम्पल ये जीरो 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 ये हो गया जीरो मैट्रिक्स, और नॉन जीरो का मतलब कैसा, कुछ तो भी एलिमेंट वन जीरो उसके बाद बी मैट्रिक्स समझो हमने ऐसे ले लिया, बी मैट्रिक्स टू माइनस टू एंड माइनस वन और वन इज देयर। ओके तो अब देखो दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ए जो है ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और बी भी कैसी है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब उसमें कुछ तो भी एलिमेंट रहना चाहिए, उसमें बहुत से एलिमेंट है, वन टू थ्री सिक्स एलिमेंट है, इसका मतलब ये नॉन जीरो नहीं है। उसके बाद बी मैट्रिक्स भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हम अगर से इनका मल्टीप्लीकेशन लेंगे मतलब ए इंटू बी अगर से करेंगे अपन क्या मिलेगा, देखो वन टू थ्री सिक्स ए और बी के प्लेस बी का मैट्रिक्स टू माइनस वन वन इज देयर। अब सबको मालूम है मल्टीप्लीकेशन की सबसे पहली स्टेप क्या है, कल बताया था मैं, सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/2। सबको मालूम है ऑर्डर कैसे चेक करते हैं अपन, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करके, एक रो दो रो एक कॉलम दो कॉलम, तो दो रो और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स, दो रो और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स। तो सबसे पहली स्टेप क्या है मल्टीप्लिकेशन की, सबसे पहली स्टेप नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, कि जो पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, मल्टीप्लिकेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, इसका मतलब इसको छोड़ दो, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब मल्टीप्लिकेशन लेंगे कैसा, कल से बता रहे हैं इसको कैसे लेंगे, सबको आ जाना चाहिए, ऐसा बता रहा है यहाँ पे, सबसे पहले पहले रो का मल्टीप्लीकेशन पहले कॉलम के साथ, तो कैसा 1 × 2 = 2, देन आफ्टरवर्ड सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ 2 × −1 − 2 इज देयर, कंप्लीट। आया समझ में, पहले का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई विद द कॉलम का पहला एलिमेंट, ये रो का दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई विद द कॉलम का दूसरा एलिमेंट, एक एक का एक एक के साथ से लेगा। उसके बाद पहला रो आप दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 × −2 − 2 इज देयर और 2 × 1 + 2 इज देयर, ये होगा कंप्लीट। अब आगे फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो के साथ देखेंगे, सेकंड रो में कैसा 3 × 2 = 6, 6 × ये होगा पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये होगा −6, 3 × −2 − 6 इज देयर और 6 + 6 × 1 + 6 इज देयर,
जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना आएगा, दो में से दो गया जीरो, माइनस दो में से दो गया जीरो, छह में से छह गया जीरो, माइनस से प्लस से जीरो। अब ए बी डॉट ए डॉट बी कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू कितनी, जीरो इज देयर। सो व्हाट वी कैन से दैट हियर द प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी दैट इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर से ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, कि ए भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है, तब भी इनका अगर से हम प्रोडक्ट लेंगे तब इसका प्रोडक्ट कितना है, दैट इज इक्वल टू जीरो इज देयर। है ना, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसा है अभी तक अपने को मालूम था दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन या दो इसका मल्टीप्लीकेशन लिए तो दोनों में से कम से कम एक पे भी क्या होना, जीरो, या फिर दोनों के दोनों क्या होना, जीरो, तब उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता, जीरो। मगर मैट्रिक्स में कैसे बता रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों कैसे है नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब अंदर कुछ तो भी एलिमेंट्स है, तो ये कुछ तो भी एलिमेंट्स का अगर से अपने मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स का अगर से प्रोडक्ट लिए, मतलब प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्रोडक्ट अगर से लिया सॉल्व करें तो मैट्रिक्स कितना है, जीरो। तो इट्स अ प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी हियर, और प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू जीरो, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज नॉट इंप्लाइड दैट आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो द प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर से ए बी दो मैट्रिसेस है, इसका प्रोडक्ट अगर से जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से ए इक्वल टू जीरो है या फिर बी इक्वल टू जीरो है या फिर दोनों इक्वल टू जीरो है। ये प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट थी। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब एक ठीक है, सातवें नंबर के जा सकते हैं इसमें। तो ये प्रॉपर्टी समझने के बाद नेक्स्ट नंबर है आठवें नंबर का। तो आठवें नंबर में क्या हो रही है, इन एट नंबर प्रॉपर्टी सेवन नंबर, सॉरी सेवन नंबर में क्या है प्रॉपर्टी, कि मल्टीप्लीकेशन में अगर से समझो फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर, कोई भी मैट्रिक्स का क्यूब, कोई भी मैट्रिक्स का फोर, ये पावर निकालने का है, तो मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टी क्या है कि समझो अपने को निकालेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, वो ए इंटू ए। ऐसा नहीं कि कोई एक मैट्रिक्स है ए वन थ्री फोर माइनस वन, ऐसा आपको अगर से बोला ए स्क्वायर कितना, तो ए स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं कि इसके एलिमेंट का स्क्वायर ये वन ये नाइन ये सिक्सटीन ये वन, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ए स्क्वायर मतलब एलिमेंट का स्क्वायर नहीं, अगर से ए स्क्वायर निकालने का है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, जैसे कि मैट्रिक्स ए है वन माइनस वन टू जीरो की, अब अपने को निकालेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मतलब a इंटू ए करके निकालेंगे, a इंटू ए मतलब वन माइनस वन टू जीरो a, फिर से वन माइनस वन टू जीरो a, तो ये a इंटू ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके क्या करेंगे अपन, a स्क्वायर निकालेंगे, या फिर a के पावर में जितना नंबर आएंगे उतना अपन निकाल सकते हैं। आपको भी पूछ लिया ए स्क्वायर करेंगे तो ए क्यूब निकालो, तो ए क्यूब मतलब कितना होगा, ए क्यूब इज नथिंग बट a इंटू ए, मतलब पहले a इंटू ए निकालना पड़ेगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ लेना पड़ेगा, फिर a के साथ लेना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा अपने को, ए क्यूब। ये प्रॉपर्टी आई गई समझ में, देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, ए क्यूब अगर से निकालने का है तो पहले a इंटू ए निकालना पड़ेगा, मतलब तुमको निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर, और बाद में ए स्क्वायर आने के बाद उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, a के साथ। तो ये मेथड है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जबकि ए स्क्वायर अगर से पूछा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करते हैं एलिमेंट का, तो a स्क्वायर मतलब नॉट द स्क्वायर, नॉट द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स, वी टेकन a स्क्वायर एज अ a इनटू a, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिर से करना पड़ेगा, a इनटू a करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, a स्क्वायर। उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, a क्यूब, a क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, a इनटू a, a इनटू a मतलब क्या, a स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन a के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, a क्यूब मिलेगा। ओके, इसी तरीके से देखो अभी a स्क्वायर के बाद क्या क्या बताया मैंने, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब इज नथिंग बट ए इंटू ए रेस टू फोर निकालना है तो ए इंटू ए, और ऐसा करते करते ए रेस टू एन, एन तो पावर का निकालने का है, तो कैसे करेंगे अपन, ए को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम्स, ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स, इट इज द मेथड ऑफ टेकिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर क्यूब फोर एनी पावर ऑफ ए इज देयर। ओके, इट इज द सेवंथ प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम जाएंगे उसके कुछ रिमार्क्स पे, सम यूजफुल रिजल्ट्स पे।
ठीक है प्रॉपर्टी सॉल्व आ गया। थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स तो बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी क्योंकि सिंपल है प्रॉब्लम्स। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी इसका यूजफुल होना रिजल्ट में कि अपने को मालूम है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी ए हमेशा इक्वल टू बी ए रहेगा, ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन में रह सकता है कुछ कंडीशन में भी रह सकता। इसका मतलब मैट्रिक्स पर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, हमेशा कॉम्यूटेटिव रहेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों मिला के इसको बोलेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। देन आफ्टरवर्ड इसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी इसकी कि कोई भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करे क्या, फिर आई को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो आपको फिर से क्या मिलता, ए मिलता, वही मैट्रिक्स मिलती। और ये तो मालूम है इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी, छठी छठी प्रॉपर्टी क्या थी कि ए भी नॉन जीरो है तब भी इनका प्रोडक्ट जितना आ सकता जीरो आ सकता, दिस वन हमारी सातवीं प्रॉपर्टी। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट वन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाइए। उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट, प्रॉपर्टी में सम यूजफुल रिजल्ट्स आ जाए, देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स आ जाए, सम यूजफुल रिजल्ट्स आ जाए, ये रिजल्ट्स का एग्जांपल सॉल्व करते समय इसका यूज है, इसकी वजह से भी इसको देखने के अपने को कि इसका यूज है जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे। तो पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर से समझो अपने को यूजफुल रिजल्ट में ए प्लस बी का स्क्वायर निकालने का, ठीक है। तो सबसे पहले a प्लस बी का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, कोई भी चीज का स्क्वायर निकालने का था, अभी मैंने बताया a प्लस बी का स्क्वायर मतलब कैसा, इधर से लिखेंगे अपन a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा a प्लस बी का स्क्वायर, ओके। a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं। अब लोग इनका मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले a का मल्टीप्लीकेशन a के साथ, a इंटू a स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ओके ये हो गया इस वक्त। तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, बस इतना इसका एक्सपांशन है। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अपने को अभी तक मालूम है, टेंथ तक अपने को मालूम है कि अगर से किसी को ए प्लस बी का स्क्वायर लेने का तो कैसा रहता, ए स्क्वायर प्लस या फिर ऐसा होता था ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये यहाँ पे क्या होता ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस कितना बी ए प्लस कितना बी स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे दूसरा कह सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे अपने कॉल में ए बी लिखेगा और बी ए लिखेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था सेम, इसलिए अपन ने ए बी प्लस ए बी काउंट करते इसको टू ए बी करते, तो ए प्लस बी का स्क्वायर जनरली ये रहता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस ए प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, व्हाई, बिकॉज ये पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, अगर से ए बी इक्वल टू बी ए है तब इसका आंसर क्या आएगा, इतना आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर से ए बी इक्वल टू बी ए है और अगर से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है तो उस टाइम पे एक्सपांशन इतना ही आएगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट हियर, व्हाट वी कैन से दैट हियर, एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी देखे अपन ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ओके, इसकी वजह से इसको अपन टू ए बी नहीं लिख सकते, ये इसका एक्सपांशन है, ओके। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, उसी तरीके से जब ये आ गया आपके पास ए माइनस बी का स्क्वायर क्या, तो ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन a minus b into a minus b, so take the multiplication of that one, a into a a square minus ab then minus ba minus minus plus b square is there, again
इट इज द सेम वन, यहाँ पे ही करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे फिर से कंडीशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ए कंडीशन यहाँ पे भी सफिशिएंट है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज देयर, इट इज द सब यूजफुल रिजल्ट्स आर देयर। अब उसके तरीके से अपन इसका मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं, इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी का, है ना, इसका तो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, वेरी सिंपल वर्ड इज देयर। तो ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट वन, कि जब कभी किसी ए प्लस बी का स्क्वायर लेंगे अपन तो स्क्वायर ये फॉर्म में आएगा, है ना, और ए माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो ये फॉर्म में आएगा, इसके बाद तो अपन ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल वन। ये इसलिए बताने का है क्योंकि अपने के दिमाग में ये बैठे वाला है टेंथ तक, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब अपन डायरेक्ट बोलते हैं स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं रहता, इसलिए एक्सपांशन कितना रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, इतना ही रहेगा अदरवाइज। ओके, सो दिस टू रिजल्ट्स आर, इसीलिए अपन लिखे सब यूजफुल रिजल्ट, दिस रिजल्ट्स आर यूज इन व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ दैट वन। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्रॉपर्टीज, आई थिंक दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, नाउ वी प्रोसीड टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दैट वन। ठीक है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम इस एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। उसका पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 4.6 का, इवैल्यूएट इवैल्यूएट फर्स्ट स्टेज में कॉलम में रो है, कॉलम मैट्रिक्स है 3-1, मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में 2 माइनस 4 3 से, 2 माइनस 4 3 तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेगा, तो वेरी सिंपल वी कैन मल्टीप्लाई दिस टू, ओके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लेंगे इसका, अपन डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करोगे ये वन का आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या सबसे पहला रूल बोलो, मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल वी हैव टू चेक द ऑर्डर्स, ऑर्डर क्यों चेक करेंगे, अपन देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देयर आर 1, 2, 3 rows and 1 column is present. Order is nothing but 3 by 1 is there. Okay. Now here, there is only 1 row is there and 3 columns are there. So order is nothing but 1 by 3 is there. Barabar hai? Isko order kitna hai? Ek column hai aur 3 row hai. So pehle 3 row aur 1 column wala. Dekho na. Ek row, 2 row, 3 row. Aur column khali kitni hai? 3 by 1. इसमें क्या ऑर्डर है इसका, सिर्फ एक ही रो है, ओनली वन रो इज देयर, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स आर देयर। तो सबसे पहला नंबर ऑफ कॉलम्स 3 बाय 1 प्रॉपर लिखेंगे, 1 बाय 3 इज देयर। तो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या बराबर है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये दोनों को छोड़ के कितना रहेगा, 3 बाय 3, है ना। उसके स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहता, सर ये तो समझ में आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो इसके लेंगे कैसा, तो लेंगे कैसा इसके हिसाब से कि आने वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3 बाय 3 है, उसके हिसाब से अपने को मैट्रिक्स तैयार करने का मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे 3 बाय 3 के लिए कैसा, मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो और दिस एलिमेंट बाय ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ दैट वन, है ना, मतलब कैसा, कि तो अपने को कैसा लाने का, 3 बाय 3 का लाने का, 3 बाय 3 का मतलब देयर आर 3 रोस एंड 3 कॉलम्स आर देयर, इसलिए पहले पहले नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन, मतलब कैसा देखो, 3 × 2 देन आफ्टरवर्ड, है ना, मतलब कैसा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब कैसा, 3 × -4 इज देयर,
और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज देयर, मतलब कितना 3 × 3 इज देयर, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 × 2, देन आफ्टरवर्ड, देन आफ्टरवर्ड सेकंड रो, देन आफ्टरवर्ड सेकंड रो सेकंड कॉलम इज देयर 2 × −4 इज देयर, देन आफ्टरवर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम इज देयर 2 × 3 इज देयर। उसी तरीके से तीसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे रो का पहला एलिमेंट और इसका पहला कॉलम का 1 × 2, 1 × −4, 1 × 3 इज देयर। आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट द मैट्रिक्स समथिंग लाइक टू बी 6 − 12 9 4 − 8 6 सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, इफ दिस इज इक्वल देन After that, the coming matrix after multiplication, the order is nothing but 3 by 3 is there. उसका multiplication कैसा लिया आपने? पहले row का multiplication column के पहले element के साथ, पहले row का multiplication column के दूसरे element के साथ, पहले row का multiplication column के तीसरे element के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने same with the happens with the second and third row is there. सेम हमने सेकंड के साथ किया, टू का मल्टीप्लिकेशन मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, देन थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गॉट दैट। आई होप यू गॉट दैट वन। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आप देखो उसमें एक एग्जांपल ऐसी दूसरी, second example is something like to be here 2 − 1 − 3 multiply by 4 − 3 = 1 4 − 3 = 1। चलो सबसे पहले स्टेप, what is the order of the matrix, इसका order बोलो, कितने rows है, एक ही row है, कितने column है, 3 column है, तो 1 by 3, ठीक है। Now tell me, what is the order of the matrix? Only एक रो, दो रो, तीन रो और एक कॉलम, 3 by 1 इज देयर। देखो ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, राइट। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, दोनों में रो की संख्या इक्वल है और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 by 1। 1 by 1 का मतलब मालूम है, 1 by 1 मतलब क्या, एक ही एलिमेंट जैसे एक 2 है, तो ये कितना है 1 by 1, क्यों, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 by 1। तो ये दोनों नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स करने के बाद, ये बराबर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मगर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 by 1। इसके हिसाब से अपन इसका मल्टीप्लीकेशन लेंगे, तो कैसे लेंगे, देखो हाउ टू टेक द मल्टीप्लीकेशन, वेरी सिंपल वन, इट इज इक्वल टू ऐसा, एक ही एलिमेंट आने वाला है, मतलब ये फर्स्ट रो और एक ही कॉलम है, तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, ये पहले रो का मल्टीप्लीकेशन एक ही कॉलम के साथ, मतलब कैसा, 2 × 4 मैट्रिक्स रहेगा 8, पहला एलिमेंट रो का पहला एलिमेंट, कॉलम का पहला एलिमेंट, उसके बाद −1 × 3 − 3, देन आफ्टरवर्ड इसका तीसरा और इस कॉलम का तीसरा, प्लस कितना 3 इज देयर, एंड आपका रूल है ना, आपका रूल क्या है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, अब है ही नहीं तो क्या करेंगे, इसलिए सिर्फ पहले रो का एलिमेंट पहले कॉलम के साथ, तो भी कैसा, हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट के इंडिविजुअल, 2 का पहले के साथ, −1 का इसके दूसरे के साथ, 3 का इसके तीसरे के साथ, तो व्हाट हैपेंस नाउ, इज फाइनल आंसर कितना है, −3 + 3 कैंसिल, आंसर आया 8, इट इज नथिंग बट 1 by 1 इज देयर, इज आवर आंसर, इफेक्ट 1, इट इज नथिंग बट 8 इज देयर।
ओके तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऑर्डर समझना। ऑर्डर में अगर से पहली मैट्रिक्स ए बी में नहीं बता रहा मैं, क्या बोल रहा, कोई भी मल्टीप्लीकेशन में पहला मैट्रिक्स जो रहेगा उसमें कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो रहेगा उसमें रो, ये दोनों इक्वल है तभी हम मल्टीप्लीकेशन ले सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वन बाय वन। तब तुम यहाँ समझ में आता है ये वन बाय वन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आना मैट्रिक्स में, उसके हिसाब से एक रो के एलिमेंट या मल्टीप्लीकेशन एक कॉलम के साथ, तो वो कितना आएगा एच। तो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, आई होप यू गॉट दैट वन, आया समझ में ऐसा उम्मीद है। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकता हूँ, इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डिफिकल्टी, देन यू कैन आस्क मी, नहीं समझाऊंगा तो पूछ सकते सर ये नहीं आया बोल के, तो उसको अपन और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, एक ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है वन माइनस थ्री फोर टू एंड बी इज इक्वल टू फोर वन थ्री माइनस टू show that AB is not equal to BA. Then show that AB is not equal to BA. इसको कोई बता सकता है? इसको कोई problem नहीं है इस बात को, है ना? सबसे पहले अब क्या करेंगे? AB का multiplication लेंगे। उसके equation number one। फिर अब क्या निकालेंगे? BA निकालेंगे। मतलब पहले B, फिर बाद में A। उसका multiplication लेंगे। उसके equation number two। अगर से एक और दो को देखने के बाद दोनों सेम है तो क्या है, शो दैट मतलब क्या इक्वल नहीं रहेंगे। अगर से देखेंगे सबसे पहले ए बी क्या था और बी ए क्या था, फिर अपन बोलेंगे इक्वल है कि नहीं है। चलो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी ए का मैट्रिक्स और ए बी का मैट्रिक्स, ठीक है। चलो इसका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज वेरी सिंपल, हाउ टू टेक द मल्टीप्लीकेशन इजी है, आपको मालूम है कैसे लेंगे, पहला रो का पहले कॉलम के साथ, है ना, ये बार बार करने की जरूरत नहीं। चलो वन इंटू फोर फोर, दूसरा दूसरे के साथ माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन, कंप्लीट, ठीक है। अब पहला रो दूसरा कॉलम, वन इंटू वन वन, ठीक है, दूसरा दूसरे के साथ मतलब माइनस माइनस प्लस, तीन बोले कितना आ गया छह, सिक्स, ओके ये कंप्लीट। आगे चलो सेकंड का पहले के साथ, फोर फोर द सिक्सटीन प्लस थ्री टू द सिक्स और टू थ्री द सिक्स, फोर इंटू वन फोर माइनस फोर इज देयर, ओके सो आंसर विल बी माइनस फाइव सेवन ट्वेंटी टू n zero. Call it the equation number one. Okay, so we now proceed to the next one. अब ये भी निकाल दिए, अब अपन निकालेंगे b. है ना, ये भी हो गया, अब b है. b में क्या बना रहेगा? पहले भी matrix. Four, one, three. माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ, सेम केस, अब डायरेक्ट करेंगे ना, फोर इंटू वन फोर, सेकेंड सेकेंड के साथ फोर, फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, वन इंटू टू प्लस, थ्री इंटू वन थ्री, है ना, माइनस टू इंटू फोर माइनस एट इज देयर, देन थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर इज देयर, सो लास्ट आंसर इज समथिंग लाइक टू बी हियर,
आगे बोलो आंसर, ये आ गया 8, ये आ गया -10, ये आ गया -5, ये आ गया -13 इज देयर, ऑल इज इक्वेशन नंबर 2 इज देयर। तो देखो ए भी अलग है और बी अलग है, एलिमेंट सारा अलग है ना, ये -5 है तो ये 8 है, खत्म हो गया पहले इसमें, खत्म हो गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन से दैट हियर, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जो कि अपने को शो दैट करने का था। तो वेरी सिंपल एग्जांपल्स आर देयर, एक बार मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया तो उसके बाद तो तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी हियर, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को डिफिकल्टी है तो बोलो, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के इस पे। चलो अगला एग्जांपल करेंगे, फिर अगला एग्जांपल दोबारा लिख, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन ऐसा है, Thank you.